हाँ दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल निवास शर्मा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि एक एकड़ नारियल की खेती में कितना पौधा लगा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, कितने दिन बाद मैच्योरिटी देता है नारियल, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला। अगर आप नारियल की खेती करने चाहते हैं या नारियल के बारे में कुछ अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा अधिकतर नारियल के बारे में वीडियो रहता है कि हर जगह नारियल कैसे कर सकते हैं नए नए टेक्निक से। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जैसे नारियल का खेती करेंगे तो हमें एक एकड़ खेती में कितना खर्चा आएगा, जैसे आपके पास 3 एकड़ 4 एकड़ जितने जगह पे लगाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा। मैं एक एकड़ का आपको हिसाब दे देता हूँ। एक एकड़ खेती में आप 120 पीस से 100 पीस प्लांट लगा सकते हैं। मलेशियन का हाइब्रिड प्लांट 21 साइज में 10 फीट 8 फीट 9 फीट का हाइट का पौधा, वो आप लगभग आप जैसे मार्केट से लाएंगे आपका 120 पीस पौधे का रेट लगभग जैसे आप 2000 करके ला सकते हैं, 500 रुपये करके ला सकते हैं। हाइब्रिड पौधा जैसे हाइट का लेंगे वैसे आपको रेट पड़ेगा। मान लीजिए 120 पीस पौधे का रेट लगभग आपका 2,40,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। वो जो है 120 पीस पौधे का रेट वाला हाइब्रिड वाला जो एकदम मलेशियन 3.5 साल बाद मैच्योरिटी देगा, उस नारियल का बात कर रहे हैं। और अगर हम बताएं नारियल का खेती करेंगे उस टाइम मिट्टी का पीएच चेक करेंगे उसमें आपको और लगभग 1-2 हज़ार का खर्चा आएगा। मैं उसको नहीं गिन रहा हूँ 1-2 हज़ार खर्चा, क्योंकि बड़ा बड़ा हिसाब जो है उसी को कर रहा हूँ। तो पहला जो दूसरा है कि नारियल खेती लगाएंगे, खेती करने के लिए मिट्टी में जैसे लेबर लगेंगे, कई सारे लोग लगेंगे मिट्टी पौधा खोद के लगाना, उसके लिए आप अगर चाहे तो बड़ा गड्ढा करेंगे तो जैसे भी ला सकते हैं। अगर लेबर से करवाते हैं तो हाथ से खोदते हैं तो उसके लिए लेबर लगेंगे, तो उसके लिए लगभग लगाने का चार्ज मैंने 20,000 पकड़ा, 2,40,000 और 20,000 2,60,000 का हुआ ये पौधे लगाने का चार्ज। और उसमें लगाने के टाइम खाद डालेंगे और ऐसे नए नए जैसे खाद डालेंगे, बर्मी कंपोस्ट डालें या जैविक खाद डालें रासायनिक खाद डालें, उसमें और 20,000 खर्चा आएगा। 1,60,000 और 20,000 1,80,000 हिसाब में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, 1,80,000 का लगेगा आपको पौधा लगाने का चार्ज। अब बात करें पौधे में पानी डालने का, अगर आप मेड़ बना के पानी डालते हैं तो उसमें बिल्कुल भी खर्चा तो नहीं आएगा। अगर आप ड्रिप करवाते हैं ऐसा इस तरह का ड्रिप करवाते हैं जिसमें एक साइड से नोजल लगा रहता है जो कि यहाँ से बूंद बूंद पानी गिरते रहता है और दूसरी तरफ और 1-2 पॉइंट लगा है ऐसा ड्रिप रहता है, ड्रिप का खर्चा कितना आएगा वो भी आपको बताते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रिप का, एक ड्रिप में कितना खर्चा आता है। जैसे उस टाइम की तो 2,80,000 हुआ और लगभग 14,000 का ड्रिप में खर्चा आता है। जैसे कि देख सकते हैं अगर आप टंकी लगाते हैं जिसमें टंकी से डायरेक्ट पानी आता है और यहाँ पर देख सकते हैं बोरवेल से डायरेक्ट पानी आता है। ये जो बोरवेल है 3 HP का मोटर लगा है इसमें, यहाँ से पानी आता है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, अगर इसमें खाद डालना होता है तो अगर खाद डालना नहीं होता है तो यहाँ से सीधा पानी भेज देते हैं उसे चला जाता है। अगर खाद डालने का जरूरत रहता है तो ये जो पाइप देख रहे हैं ये पाइप को यहाँ पर ऐसे फंसाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको ऐसे फंसाते हैं पाइप को ऐसे लगाते हैं, मान लीजिए लगा लिया। उसके बाद ये जो टंकी दिख रहा है इसमें पानी रहता है, जो पानी भरा हुआ है अभी, इसमें अगर कोई खाद डालने का जरूरत रहता है तो उसमें खाद जैसे दवाई घोल देते हैं कीटनाशक हो किसी भी तरह का NPK हो अगर घोल डालने का जरूरत रहता है तो उसमें जैसे NPK डालते हैं, डालने के बाद घोल देते हैं, घोलने के बाद इसको ऐसे इसमें लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं इसको। तो मैं आपको लगा के प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर नहीं इसको लगेगा यहाँ पर नीचे लगेगा, इसमें रबर लगा हुआ है ऐसा लगा रहता है जिससे क्या होता है यहाँ पर जो सिलेंडर दिख रहे हैं यहाँ इसमें कंप्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए ये पानी धकेल देता है उससे एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से क्या होता है ये जो पानी आता है यहाँ से खींच के अंदर आता है, यहाँ से जो प्रेशर होता है प्रेशर से ये जो दवाई और पानी एक साथ यहाँ पे मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद सीधा यहाँ से निकल के पौधे में चला जाता है। जैसे पाइप लगा हुआ है मोटा मोटा पाइप लगा हुआ नीचे जिससे साइड से ऐसे पॉइंट निकला हुआ है, देख सकते इस तरह का पाइप वहाँ से कनेक्शन होता है मोटा पाइप से, ऐसे छोटे मोटे पाइप वहाँ से निकल रहते हैं पॉइंट, ऐसा पॉइंट निकल रहता है वहाँ से बूंद बूंद करके गिरते रहता है। इसमें लगा आपका 12 से 16 हज़ार के आसपास खर्चा होता है अगर टंकी लगाते, इसमें तो ज़्यादा नहीं 5,000 में हो गया है। अगर आप ऊपर में जैसे चार साइड में 4 खंभा लगा के बीच में एक बड़ा ड्रम लगा रहते हैं पानी का आपका समस्या रहता है, जैसे बिजली नहीं रहता है या पानी वहाँ पर टाइम से आता है दूसरे का बोरवेल है, तो उस टाइम में इसमें आपको लगभग 16,000 का खर्चा आएगा। इस तरह से आपके 5,000 के खर्चे में एक एकड़ की खेती में आप ड्रिप लगवा सकते हैं। जैसे उस टाइम बनाया था नारियल की खेती लगाने के लिए 20,000 का खर्चा आएगा, 20,000 में एक एकड़ खेती में घिरा भी जरूरी है,
कि घेरा में भी और मान लीजिए 10-20 हज़ार लगेगा, 20 हज़ार के आसपास घेरा में लग जाएगा एक एकड़ के खेती में। अगर आप करंट वाला लगाते हैं तो 6-7 हज़ार में हो जाएगा। अगर आप जैसे घेरा डाल के खंबा डाल के उसके काटा लगा के अगर करते हैं उसमें तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा, एक एकड़ में लगभग 50 हज़ार के आसपास खर्चा आ जाएगा। तो मैंने कम एक एकड़ का बताया। अगर आप इसमें लगाएंगे जैसे पौधे का रेट ही ज़्यादा पड़ता है, अगर आप 1500 वाला लगाएंगे, मैं सबसे महंगा नारियल का खेती की बात की है, वो 3 लाख में आपका खेती बन जाएगा एक एकड़ में। जो पौधा आपका लगेगा लगभग 2000 का पौधा जाएगा, बड़ा साइज़ का पौधा जाएगा, वह उसका बात किया। तो इस विषय से आपको जैसे पता चल गया कि एक एकड़ नारियल में कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से आप जितना भी नारियल लगाएंगे उसमें उस हिसाब का खर्चा आएगा। लगभग एक एकड़ में 3 लाख का खर्चा आता है। तो इस हिसाब से आप सोचिए, आप जितना लगाएंगे उसमें उतना खर्चा आएगा। तो हमारा वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।